सादर प्रणाम। आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में NIIF के बारे में बात करेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इम्पॉर्टेंट है, हम जानेंगे कि चर्चा में क्यों आया। दूसरे मुख्य बिंदु जो हम जानेंगे वो है NIIF के विषय में, और इसके अंतर्गत जो तीन फंड हैं उनके विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया है। ये चर्चा में इसलिए आया कि एक निजी निवेशक है रूडीज, और दुनिया भर में परिवहन के बुनियादी ढांचे के ऑपरेटर और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF ने संयुक्त रूप से यानी कि एक साथ मिलकर भारत में सड़क परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक मंच स्थापित किया है। ये मंच देश में एक बड़ा सड़क मंच बनाने के उद्देश्य से टोल ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल, मौजूदा सड़क रियायतों यानी कि छूट के अधिग्रहण और सड़क क्षेत्र में निवेश के अवसरों के लिए $2 बिलियन का इक्विटी निवेश करेगा, इसलिए ये यहाँ पर फिलहाल चर्चा में आया है। जान लेते हैं NIIF के विषय में। सरकार ने 2015 में व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और रुकी हुई अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए निवेश वाहन के रूप में NIIF की स्थापना की थी। भारत सरकार 49% निवेश कर रही है और बाकी जो निवेश हो रहा है वो फंड तीसरे पक्ष के निवेशकों से, जैसे कि संप्रभु धन कोष यानी कि सोवरेन वेल्थ फंड, बीमा, पेंशन, बंदोबस्ती यानी कि एंडोनमेंट आदि से उठाएगा। फिर NIIF वर्तमान में अपने विशिष्ट निवेश जनादेश के साथ हर तीन फंड का मैनेजमेंट करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के साथ फंड वैकल्पिक निवेश कोष AIF के रूप में पंजीकृत है। जो तीन फंड की बात हो रही है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले मास्टर फंड। ये फंड जो मुख्य बुनियादी ढांचा है, जैसे कि सड़क है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, बिजली है, इनके परिचालन परिसंपत्तियों में निवेश करने के उद्देश्य से एक बुनियादी ढांचा निधि है, यानी कि एक कोष मान लीजिए कि एक कोष है जो यहाँ पर इनसे संबंधित व्यवस्था करेगा। फंड ऑफ फंड्स की बात करें तो फंड ऑफ फंड्स एंकर और फंड मैनेजरों के द्वारा प्रबंधित मैनेज्ड फंडों में निवेश करते हैं, जिनके पास भारत में बुनियादी ढांचे और संबंधित क्षेत्रों के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। फोकस के कुछ क्षेत्रों में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं और संबद्ध क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। तीसरे हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये फंड भारत में सेबी के तहत वैकल्पिक निवेश फंड 2 के रूप में पंजीकृत हैं। तो ये है फिलहाल NIIF से संबंधित, यानी कि क्यों इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इम्पोर्टेंट क्यों है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका संबंध किससे है। इस तरीके के कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ बने रहिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।